आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में VI की सिम से कॉल कर रहे हैं और कॉल करने पर इस तरीके से आपको शो होता है कॉल एंडेड, तो इसे ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसे ठीक करने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आकर आएगा ऐप्स, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर आएगा मैनेज ऐप्स, इस पे क्लिक करिए। और ये मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आकर आएगा यहाँ पे फ़ोन यानी कि आपके मोबाइल का डायलर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं फ़ोन के नाम से आएगा, तो इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए, ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, नीचे आएगा क्लियर डेटा, इस पर क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए और ओके करिए। उसके बाद बैक आइए, फिर से बैक आइए। अब सेटिंग में ऊपर आएगा यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी सिम 1 में VI की सिम है तो सिम 1 पे क्लिक करिए, अगर VI की सिम 2 में है तो सिम 2 पे क्लिक करिए। हम सिम 1 पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद अब नीचे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आएगा या फिर नेटवर्क मोड आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद अगर आपका 2G 3G सेलेक्ट है तो प्रेफर LTE, या फिर आपके फ़ोन में 4G आएगा तो 4G या फिर प्रेफर LTE सेलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे यूज़ VoLTE आएगा, अगर ये ऑन नहीं है तो इसे ऑन करिए। उसके बाद बैक आइए, फिर से बैक आइए और सेटिंग में नीचे कनेक्शन एंड शेयरिंग आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे यहाँ पे आएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे रीसेट सेटिंग्स आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद अपने फ़ोन का लॉक आपको डाल देना है, यहाँ पे ओके करिए। ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ डिलीट नहीं होगा, बस आपके फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट होगी। तो इसे करने के बाद आपको बैक आ जाना है। तो नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर रीस्टार्ट करिए। उसके बाद चेक करिए, अब कॉल करने पर आपको कॉल एंडेड शो नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से VI की सिम में कॉल एंडेड प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।